ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, इंटरफ्रेंस इन वैश्यप फिल्म करेंगे। ठीक है, वैश्यप फिल्म क्या होती है, एक बार फिगर समझ लेते हैं इसको, फिर करेंगे इसका क्वेश्चन, लिख लेते हैं साथ में। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफ्रेंस फ्रिंज ड्यू टू वैश्यप थिन फिल्म सीन बाय नॉर्मली रिफ्लेक्टेड सोडियम लाइट ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। चलिए, तो अब इस यस डायग्राम को मैम, समझते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को समझिए। इसमें क्या है, हमारे दो प्लेन्स हैं, एक ओ ए और ओ बी, दोनों जो हैं एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, इस जो थिन जो ये फिल्म है इसको हम वैश्यप बोलते हैं। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है। जो लाइट सोर्स एस से लाइट इंसिडेंट हुई पी पॉइंट पे, टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई, एक रिफ्लेक्ट हो गई टू डायरेक्शन में, जिसको हमने रे वन बोला है, एक यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई पी आर डायरेक्शन पे, आर पॉइंट पे फिर से टू पार्ट में डिवाइड हो गई, ट्रांसमिट की अभी हम फिलहाल बात नहीं कर रहे, जो रिफ्लेक्ट हुई आर टी डायरेक्शन में, और इस थिन फिल्म से वैशेट फिल्म से बाहर इमर्ज आउट हो गई टीवी डायरेक्शन में रे टू। ठीक है, तो हमारे पास रे वन और रे टू है। अगर ये कंडीशन ऑफ सुपर पोजिशन सेटिस्फाई करते हैं तो एक दूसरे से इंटरफ्रेंस करते हैं, तो इंटरफ्रेंस पैटर्न हमें इस वैश्य फिल्म में ऑब्जर्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रेज के बीच में पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम टी पॉइंट से दो परपेंडिकुलर डालेंगे, टी के ऑन पी क्यू एंड टी एन ऑन पी आर। ठीक है, तो ये हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक टी के और एक टी एन, तो यानी कि ये वाला जो एंगल है हमारा 90 डिग्री है। उसके अलावा हमने इसमें कुछ रेज को और लाइंस को और एक्सटेंड किया है, तो कौन कौन सी को एक्सटेंड किया है, जो हमारा ये नॉर्मल है अपर सरफेस पे पी पॉइंट पे, इस नॉर्मल को हमने पीछे तक एक्सटेंड किया है, ऐसा ही आर पॉइंट पे जो नॉर्मल है उसको हमने पीछे से तक एक्सटेंड किया है, और दोनों ये जो है ई पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारी पी आर रे है इसको हमने पीछे तक एक्सटेंड किया है और टी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला है नीचे वाले सरफेस पे एच पॉइंट पे, तो ये हमारा 90 डिग्री है और इसको हमने पीछे तक एक्सटेंड किया है और ये पॉइंट एल पर मीट कर रहा है। यहाँ तक जो मैंने एक्सटेंशन बताई समझ में आई, फिर से सुनिए क्या करा हमने, टी के और टी एन दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, एक हमने पी क्यू पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है या नॉर्मल डाला है, दूसरा हमने पी आर पे नॉर्मल डाला है। उसके अलावा हमने क्या करा, जो अपर सरफेस है अपर सरफेस पे जो हमारा नॉर्मल है उसको पीछे तक एक्सटेंड किया है, और जो नीचे सरफेस पे आर पॉइंट पे नॉर्मल है उसको पीछे तक एक्सटेंड किया है, और दोनों ये ई पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। उसके अलावा टी पॉइंट से हमने लोअर सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, और जो पी आर रे है उसको पीछे तक एक्सटेंड किया है, वो आर पॉइंट पे हमारी मीट कर रही है। ठीक है, ये तो हमारा पूरा ड्रॉ हो गया। अब एंगल समझते हैं, हमारा जो वेज एंगल है यानी कि जो दोनों प्लेन्स हैं एक दूसरे से थीटा एंगल पे हैं, ये हमारा इंसिडेंट एंगल आई है, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है, तो ये वाला भी आई होगा, ये 90 माइनस आई है, ये 90 है, तो जो हमारा पी टी के है ये आई होगा। सिंपल ज्योमेट्री से हम इसको आई बोल सकते हैं, जैसा हमने कल भी किया था। ऐसे ही हमारा जो ये एंगल है रिफ्रैक्टेड एंगल, ये हमारा आर है और ये हमारा 90 है, ये वाला जो एंगल होगा ये 90 माइनस आर होगा, इसलिए जो हमारा एंगल एन टी पी है ये आर होगा। ठीक है, यहाँ तक एंगल समझ में आए। उसके अलावा अब बात करते हैं ये वाला थीटा क्यों होगा, यानी कि यू ई आर, या कह लीजिए पी ई आर हमारा, मैं थीटा लिख रही हूँ, इसको थीटा कैसे लिख रही हूँ, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से थीटा है, जब दो कोई प्लेन एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं और उनके ऊपर हम कोई नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और वो दोनों नॉर्मल जिस पॉइंट पे मैट करते हैं एक दूसरे से मीट करते हैं, तो सेम वही एंगल बनाते हैं जिस एंगल पे वो दोनों प्लेन होते हैं, तो हमारा ये क्या है, ई पॉइंट पे दो नॉर्मल्स ड्रॉ होकर आ रहे हैं जो एक दूसरे पे मीट कर रहे हैं, जो हमने अपर सरफेस और लोअर सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ किए थे उसके हैं, तो अगर हमारा ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। ठीक है, अब ये थीटा है, ये हमारा आर है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, यानी कि एन मैम आर। हाँ बोलिए बोलिए कुछ बोलिए, नहीं मुझे मैम, बोल, कुछ मैम नहीं कुछ नहीं नहीं अगर मैम, कुछ,
अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स हैं। मैं देखिए इसको क्लियर कर देती हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है ना। मैम एक बार चलिए, इसको डायग्राम को ना मैम एक बार फिर से बता दीजिएगा। जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं या यस एंगल्स, मैम, एंगल्स और लाइंस मैम दोनों ही बता दीजिए। एंगल्स तो बता ही रही हूँ मैं अभी, एंगल्स तो पूरे हुए ही नहीं है। ठीक है, हाँ मैम एंगल्स अभी तो तो चल ही रहे एंगल्स हैं। में क्या बोल रही थी, ये वाला एंगल हमारा आर है, ये वाला हमारा एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा हमारा, ये हमारा ट्रायंगल की इस प्रॉपर्टी को समझिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के सम के बराबर हमारा बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उस वो होता है। ठीक है, जो उसके सामने के दो एंगल होते हैं उनके सम के बराबर। तो हमारा ये वाला एंगल आर है, ये हमारा थीटा है, इसलिए ये वाला जो एंगल है हमारा आर प्लस थीटा होगा। ये आर प्लस थीटा है इंसिडेंट एंगल, तो रिफ्लेक्टेड एंगल हमारा आर प्लस थीटा होगा। अब मैंने आर एल एच और आर टी एच को भी आर प्लस थीटा लिख रखा है, ये किस प्रॉपर्टी से लिख रखा है, कोई बताएगा मुझे? मैंने आर टी एच और आर एल एच को आर प्लस थीटा लिखा हुआ है, कोई मुझे बताएगा ये किस प्रॉपर्टी की वजह से आर प्लस थीटा है? मैम अल्टरनेटिंग, एक्सटर्नल सम ऑफ एक्सटर्नल एंड सम ऑफ टू इंटरनल इक्वल्स टू एक्सटर्नल नहीं, एंड। सम ऑफ नहीं, मैम सम ऑफ अल्टरनेटिंग एक्सटर्नल तो तीन नहीं में होगा। देखिए फैक्टर आर प्लस थीटा कहते अल्टरनेट हैं, हाँ बताओ, मैम अल्टरनेट हाँ इंटीरियर अल्टरनेट, हाँ अल्टरनेट और एंगल। इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट एंगल, हाँ दोनों दोनों उस प्रॉपर्टी से होंगे, बिल्कुल ठीक। ये वाला लाइन और ये वाला जो लाइन है, यानी कि ई वाला जो लाइन है और ये जो टी एच वाला लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये दोनों लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है, कट कर रही है जो इस पैरेलल लाइंस को। तो अल्टरनेट एंगल से ये आर प्लस थीटा है, तो ये आर प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आर प्लस थीटा है तो ये आर प्लस थीटा हो जाएगा। अल्टरनेट से ये एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से कि आर प्लस थीटा और आर प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा थीटा क्यों था, मैंने अभी बताया कि जब दो प्लेन एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं और उन दोनों प्लेन पे कोई नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है, जैसे कि हमने ये वाला नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल ड्रॉ किया, तो जिस पॉइंट पे नॉर्मल मिलते हैं तो सेम वही एंगल बनाते हैं जिस पे वो प्लेन होते हैं। तो ये प्लेन हमारा थीटा एंगल पे था, इसलिए ये वाला भी हमारा थीटा एंगल है। एंगल्स हो गए हैं, एक बार मैं इसको फिर से ड्रॉ करना बता रही हूँ। क्या है, ओ ए और ए ओ बी हमारे टू प्लेन्स हैं जो एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हैं। एस से जो लाइट इंसिडेंट हो रही है पी पॉइंट पे, टू पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक पी क्यू डायरेक्शन में जा रही है, एक पी आर डायरेक्शन में जा रही है। जो पी आर डायरेक्शन में जा रही है लोअर सरफेस से, फिर रिफ्लेक्ट होके आर टी डायरेक्शन में जाके और टी से टी वी डायरेक्शन में इमर्ज आउट हो जा रही है इस फिल्म से। उसके अलावा जो हमारा पी पॉइंट है, वहां पर जो नॉर्मल है उसको हमने पीछे एक्सटेंड किया, आर पॉइंट पे जो नॉर्मल है उसको पीछे एक्सटेंड किया, और ये दोनों नॉर्मल एक दूसरे से ई पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। उसके अलावा हमने पी आर को पीछे एक्सटेंड किया और टी पॉइंट से हमने नॉर्मल लोअर सरफेस पे डाला, तो वो दोनों जो है एल पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, साथ में हमने टी पॉइंट से पी आर पे एक नॉर्मल डाला टी एम, और हमने पी क्यू पे भी एक नॉर्मल डाला पी टी। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि जो रे वन है और रे टू है, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाथ ट्रेवल बाय रे टू इन मीडियम माइनस पाथ ट्रेवल बाय रे वन इन एयर। तो पी आर प्लस आर टी इंटू म्यू माइनस पी के। ठीक है, ये हमारा पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। तो फिर इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक बार मुझे बताइए एंगल में कोई दिक्कत है, कोई एंगल समझ में नहीं आया है तो उसकी बात कर लेते हैं, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड कर लेते हैं। ठीक नो मैम एंगल समझ आ गए। है, तो फिर नेक्स्ट स्लाइड कर लेते हैं। ये तो ये लिखनी है, लेट अस कंसीडर अ वेज शेप्ड फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस ओ ए एंड ओ बी एट एंगल थीटा। द थिकनेस ऑफ द फिल्म इंक्रीजिंग फ्रॉम ओ टू ए। लेट अ लाइट रे फ्रॉम एस इज इंसिडेंट एट एंगल आई ऑन अपर सरफेस ऑफ फिल्म। आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन द रे वन एंड टू आर ऑब्टेन एज अ रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट। एज द रे वन एंड रे टू सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर सुपर पोजिशन द इंटरफ्रेंस पैटर्न इज ऑब्टेन। टी के एंड टी एन बी द परपेंडिकुलर ऑन
जो है अगर टी एन है हमारा तो पी आर पे ड्रॉ किया हुआ है और टी के है तो वो हमने पी क्यू पे ड्रॉ किया हुआ है. द पाथ डिफरेंस बिटवीन रे वन एंड टू इज पाथ ऑफ रे टू इन फिल्म एंड पाथ ऑफ रे वन इन एयर. तो पाथ टू रे का कितना है म्यू इंटू पी आर प्लस आर टी माइनस पी के. अब हम क्या करेंगे इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि इसको और सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे. तो पी के की वैल्यू चेंज कर देंगे है ना और पी आर को हम पी एन प्लस एन आर लिख सकते हैं. तो सिंपल ज्योमेट्री से पी टी के आई के बराबर है और पी टी एन आर के बराबर है. ठीक है तो अब क्या करेंगे हम ट्रायंगल पी टी के से और पी टी एन से साइन आई और साइन आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है और स्नेल लॉ से हम जानते हैं म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है. तो देखा जाए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम पी के की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है पी के को भी हम इन टर्म्स ऑफ म्यू लेकर आना चाह रहे हैं. तो चलिए देखते हैं फ्रॉम राइट एंगल पी एन टी. पी एन टी में हमने क्या किया, ये हमारा यहाँ पे है पी एन टी है, इसमें हमने साइन आर यूज किया. ठीक है साइन आर क्या हो जाएगा पी एन अपॉन पी टी. ऐसे ही ट्रायंगल पी टी के अंदर हम साइन आर साइन आई यूज करेंगे, साइन आई हो जाएगा पी के अपॉन पी टी. ठीक है म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. तो साइन आई और साइन आर की वैल्यू रखेंगे तो आप देखेंगे पी टी से पी टी कैंसिल हो जाएगा और पी एन हमारा इन टर्म्स ऑफ म्यू आ जाएगा पी के इक्वल टू म्यू पी एन. ठीक है तो वो वैल्यू इक्वेशन वन में रख देंगे. तो इतना नोट डाउन करिए फिर म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करिए साइन आई अपॉन साइन आर और पी के की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए. यस मैम. चलिए तो क्या करेंगे हम म्यू की साइन आई और साइन आर की वैल्यू रखी तो पी टी से पी टी हमारा कैंसिल आउट हो गया तो म्यू इक्वल टू पी के अपॉन पी एन और पी के इक्वल टू म्यू पी एन आ गया हमारा. तो हमारे पास इक्वेशन वन ये है डेल पी इक्वल टू म्यू पी एन प्लस एन आर प्लस आर टी माइनस पी के. तो इस पी के की जगह हम म्यू पी एन रख सकते हैं है ना. तो इक्वेशन वन में हम पी के की जगह म्यू पी एन रख देंगे तो देखेंगे म्यू पी एन कैंसिल हो जाएगा. तो हमारा डेल पी हो जाएगा म्यू इक्वल टू एन आर प्लस आर टी इक्वेशन थ्री. अब ट्रायंगल देखिए वापस, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट एंगल बोल रहे हैं. अब मुझे बताओ कॉन्ग्रुएंट क्यों बोल रहे हैं इन दोनों आर टी एच और आर एच एल. तो मैं पीछे फिगर दिखा रही हूँ फिर से. तो देखिए यहाँ पर आर टी एच और आर एच एल हमारा कॉन्ग्रुएंट क्यों है. कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, जब कोई से तीन साइड सेम होती हैं, तीन चीजें सेम होती हैं तो बाकी एंगल सेम होते हैं ना. एंगल एंगल या कोई भी साइड. ठीक है अब जैसे इसको इस केस में देख लेते हैं ट्रायंगल आर एच टी में और आर एच एल में. ये वाला एंगल आर प्लस थीटा है और ये वाला एंगल भी आर प्लस थीटा है, यानी कि आर एल एच और आर टी एच जो एंगल है वो हमारा आर प्लस थीटा है. उसके अलावा जो ये एंगल है हमारा मतलब आर एच टी और आर एच एल 90 डिग्री है ना. और आर एच दोनों की कॉमन लाइन है तो मतलब तीन साइड चीजें सेम हो गई तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाकी भी सेम होंगे. मतलब आर टी इक्वल टू आर एल हो जाएगा और टी एच इक्वल टू एच एल हो जाएगा. जो हमारा टी एच है वो इस फिल्म की थिकनेस है इस पॉइंट पे. तो यानी कि टी एच इक्वल टू एच एल और दोनों क्या हो गए टी टी हो गए. तो हम क्या करेंगे इसी फिगर में देखिए हमारा आर टी की जगह हम आर एल लिख सकते हैं पार्ट डिफरेंस के अंदर है ना, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम हो गई. तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाती हूँ मैं. नाउ ट्रायंगल आर टी एच एंड आर एच एल आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफोर आर टी इक्वल टू आर एल एंड टी एच इक्वल टू एच एल. तो हमने आर टी की जगह आर एल इक्वेशन थ्री में वैल्यू पुट कर दी तो हमारा पार्ट डिफरेंस आ गया म्यू एन आर प्लस आर एल और एन आर प्लस आर एल को हम एन एल लिख सकते हैं. ठीक है तो देखा जाए बस अब हमें एन एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और एन एल की वैल्यू भी किससे कैलकुलेट करनी है, मैं पीछे फिगर दिखा रही हूँ. क्या करिएगा
ट्रायंगल एन एल टी यूज करिएगा और एन एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल टी एन एल यूज कर रहे हैं और एन एल की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है. बताइए कितना आ रहा है. अभी तक नहीं हुआ तो बताइए एन एल की वैल्यू कितनी आएगी. ट्रायंगल देखिए, हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एन टी एल या कह लीजिए टी एन एल की, और इसमें मुझे एन एल की वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए जिस पे मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है, ये एन एल की वैल्यू चाहिए और ये वाली वैल्यू हम लिख सकते हैं टी एच प्लस एच एल. तो ये वाला एंगल है आर प्लस थीटा, तो कॉस लगाएं, साइन लगाएं, क्या लगाएं यहाँ पे. कॉस आर प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा एन एल अपॉन टी एल. ठीक है, चलिए तो फिर कॉस आर प्लस थीटा इक्वल टू एन एल अपॉन टी एल और एन एल इक्वल टू टी एल कॉस आर प्लस थीटा. और टी एल को हम क्या लिख सकते हैं, टू टी. ठीक है, तो एन एल हमारा आ गया टू टी कॉस आर प्लस थीटा. टी एल इक्वल टू टू टी रखिए और फिर इस एन एल की वैल्यू इक्वेशन फाइव में पुट कर दीजिए, तो पार्ट डिफरेंस हमारा आ जाएगा डेल्टा पी इक्वल टू टू म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा. ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस कर लीजिएगा. उसके बाद सेम यही है कि हम रिफ्लेक्टेड के लिए कर रहे हैं ये, और रिफ्लेक्टेड के लिए क्या करते हैं, एडिशनल पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय टू ऐड कर लेते हैं. तो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस में लैम्डा बाय टू ऐड कर लेंगे और फिर कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा यूज कर लेंगे. तो जब एन एल निकाल लें तो एन एल की वैल्यू इक्वेशन फाइव में पुट करके पार्ट डिफरेंस लिख लें. हो गया होगा ये, तीनी लाइन तो थी. हाँ बताइए, टी एल की वैल्यू क्या है. टी एल है हमारा टी एच प्लस एच एल और टी एच क्या है, थिकनेस उस जगह पे फिल्म की, तो वो टी है ना, तो टी प्लस टी टू टी. चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड करती हूँ मैं. तो एन एल इक्वल टू टू टी कॉस आर प्लस थीटा, ये वैल्यू पी में रखी तो टू म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा हमारा आ गया पार्ट डिफरेंस. इसमें अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी जो रे वन है वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो स्टॉक लॉ से इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय टू ऐड कर लेंगे, तो टू म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा प्लस लैम्डा बाय टू. अब सेम वैसे ही कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा यूज करेंगे. तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा है कि इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू, तो डेल्टा पी इक्वल टू टू एन लैम्डा बाय टू रख लेंगे. तो यहाँ से हमारी मैक्सिमा की कंडीशन आ जाएगी टू म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा टू एन माइनस वन लैम्डा बाय टू. फिर कंडीशन फॉर मिनिमा लगाएंगे कि इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू और डेल्टा पी इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा बाय टू रख लेंगे. और ये हमारी कंडीशन आ जाएगी टू म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा टू एन लैम्डा बाय टू. तो आप देख रहे होगे जो कल हमने किया था थिन फिल्म, उसमें और यहाँ पर क्या अंतर है रिफ्लेक्टेड के केस में. वहां पर हमारा जो कंडीशन आ रहा था वो आ रहा था टू म्यू टी कॉस आर इक्वल टू टू एन माइनस वन लैम्डा बाय टू, और अब हमारा आ रहा है टू म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा. तो ये थीटा ऐड हो गया, कल ये थीटा नहीं था और आज ये थीटा हो गया. तो क्यों हो गया, कल जो हमारी फिल्म थी वो पैलर ऐसी सरफेस थी, तो इन दोनों के बीच में अगर हम एंगल की बात करें तो जीरो था. तो थीटा अगर जीरो रखोगे तो देखो सेम वही कंडीशन आ गई. अब हमारी ये दोनों प्लेन एक दूसरे से थीटा एंगल इंक्लाइंड है, तो वो थीटा और आ गया. अब अगर हम कहें कि लाइट नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, तो इंसिडेंट एंगल जीरो हो जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड एंगल सीधी लाइट निकल जाएगी, तो आई जीरो हो जाएगा और आर भी जीरो हो जाएगा. तो यहाँ पे हम आर की जगह जीरो रख सकते हैं फॉर नॉर्मल इंसिडेंस. ठीक है, तो क्या क्या टर्म्स है, म्यू हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो भी मीडियम है उसका, टी थिकनेस है फिल्म की, आर रिफ्रैक्टेड एंगल है, थीटा वेज एंगल है, दोनों प्लेन एक दूसरे से किस एंगल पे इंक्लाइंड है, एन ऑर्डर है.
तो ये हमारी कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा आ गई। दूसरा अब हमें फ्रिंज विड्थ और निकालनी है। फ्रिंज विड्थ निकालनी है मतलब हमें यहाँ पे अलग अलग फ्रिंजेस दिखेंगी। अगर ये थिन फिल्म होता, थिन फिल्म में क्या था, या तो मैक्सिमा की कंडीशन होती या मिनिमा की कंडीशन होती, यहाँ पूरा एक साथ दिखाई देता। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे थिकनेस अलग अलग है, तो थिकनेस के अकॉर्डिंग हमारी कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो हो सकता है इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मिल रहा हो, इस पॉइंट पे मिनिमम मिल रहा हो, तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम और मिनिमम मिलेंगे अल्टरनेट। तो हम फ्रिंज विड्थ निकाल लेंगे, दो फ्रिंजेस के बीच का, कंसेक्यूटिव फ्रिंज के बीच का सेपरेशन को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो फ्रिंज विड्थ उनके अंदर जो हमें फ्रिंजेस दिखाई देती हैं वो पैरेलल फ्रिंजेस दिखाई देती हैं, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स पे क्या होगा, मैक्सिमा की कंडीशन होगी, कुछ पॉइंट्स पे मिनिमा की कंडीशन होगी, तो हमें अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिखाई देंगी। फ्रिंज विड्थ निकालनी है, तो फ्रिंज विड्थ के लिए हमने क्या कहा कि इस ओ पॉइंट से टी थिकनेस का जो यहाँ पे जो भी फ्रिंज दिख रही है उसका सेपरेशन एक्स एन है, यहाँ से जो डिस्टेंस है। और यहाँ पे अगर ये यहाँ पे मैक्सिम, अगर हम, मैं क्या कर रही हूँ, मैक्सिमा की कंडीशन से फ्रिंज विड्थ निकाल रही हूँ, आप चाहे तो इसको मिनिमा की कंडीशन से भी निकाल सकते हो, ठीक है। इस जगह भी मैक्सिमा दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसके जो एनथ एन प्लस वन ऑर्डर का, तो ये जो डिस्टेंस है एक्स एन प्लस वन है, तो मैक्सिमा की कंडीशन होती है टू म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इक्वल टू टू एन माइनस वन लैम्डा बाय टू। अभी पीछे निकाल के आए हैं हमसे, इसमें क्या करेंगे, टी की वैल्यू पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स। फ्रिंज विड्थ का कैसे निकालोगे, एक्स एन प्लस वन में से एक्स एन माइनस कर दोगे तो ये बीच का सेपरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टी को रिप्लेस कर देंगे एक्स एन से, तो इस ट्रायंगल में आप देखो टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टी अपॉन एक्स एन। तो यहाँ से टी इक्वल टू एक्स एन टेन थीटा आ गया, इसको इक्वेशन ए में पुट कर देंगे, तो टू म्यू टी एक्स एन टेन थीटा कॉस आर प्लस थीटा टू एन माइनस वन लैम्डा बाय टू, तो एक्स एन आ जाएगा हमारा, एक्स एन इक्वल टू बाकी सारी वैल्यूज इधर ले जाएंगे, टू एन माइनस वन लैम्डा बाय टू टू म्यू टी टेन थीटा कॉस आर। फिर एक्स एन प्लस वन के लिए क्या करेंगे, एन की जगह एन प्लस वन रख देंगे, तो एक्स एन प्लस वन क्या हो जाएगा हमारा, इस एन की जगह भी एक्स एन प्लस वन रखेंगे, एन प्लस वन रखेंगे तो ये हो जाएगा टू एन प्लस टू माइनस वन, तो माइनस वन कट जाएगा तो फिर प्लस टू बच जाए, वन बच जाएगा, तो टू एन प्लस वन लैम्डा बाय टू, एक्स एन प्लस वन आ गया। फ्रिंज विड्थ कैसे आती है, दो बीच, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो एक्स एन प्लस वन में से एक्स एन माइनस कर देंगे, तो हमारा यहाँ से क्या बचेगा, टू एन से टू एन कैंसिल हो जाएगा, तो टू लैम्डा बाय टू आएगा, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, खाली लैम्डा बचेगा, तो लैम्डा टू म्यू टेन थीटा कॉस आर प्लस थीटा। तो हमारा इसकी जगह हम फ्रिंज विड्थ या तो बीटा से दिखा सकते हैं या डब्ल्यू से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल टू लैम्डा अपॉन टू म्यू tan थीटा cos r plus थीटा, तो फ्रिंज विड्थ का ये एक एक्सप्रेशन आ गया, तो ये जनरल एक्सप्रेशन है। अब इसको हम अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे, अगर नॉर्मल इंसिडेंट है तो इंसिडेंट एंगल जीरो हो जाएगा और रिफ्लेक्टेड एंगल भी जीरो हो जाएगा, तो इस r की जगह जीरो रख सकते हैं, तो w इक्वल टू लैम्डा अपॉन टू म्यू tan थीटा अपॉन tan theta into cos theta, tan की जगह sin theta upon cos theta रख सकते हैं, cos से cos cancel हो जाएगा, तो w equal to lambda 2 mu sin theta। फिर small wedge angle के लिए, ये जितना small होगा उस केस में क्या होता है, sin theta equal to theta हो जाता है, तो w equal to lambda 2 mu theta, ठीक है। तो ये सारे एक्सप्रेशन है, ऊपर वाला एक्सप्रेशन याद रखिए, नीचे वाले एक्सप्रेशन तो हम फिर रिड्यूस कर सकते हैं, तो न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है।